इस वक्त का वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है देख लेते हैं भाई। जब मैं एक्चुअली मैं जब ये वोटिंग ट्रेंड की वीडियो बनाती हूँ ना, मैं पहले वोटिंग ट्रेंड नहीं देखती, सच्ची बात है मैं नहीं देखती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सप्रेशंस, शॉकिंग एक्सप्रेशंस जो है वो आप लोग नेचुरली देख पाएं कि भाई ये क्या है। क्योंकि मेरे लिए भी वो चीज़ शॉकिंग होती है कि हाँ क्या ये, क्या इतने नंबर पे आ गया, क्या इसको इतनी कम वोट मिल गई। भाई ये तो लीड कर रहा था, इस कंटेस्टेंट से लीड कर रही थी, उस कंटेस्टेंट से ये लीड कर रहा था, आखिरकार अचानक क्या हुआ कि वोट्स इसको कम हो गई और ज़्यादा वोट जो है उस बंदे को या उस बंदी को मिल गई है। तो चलिए अभी इस वक्त के वोटिंग ट्रेंड के ऊपर नज़र डालते हैं कि आखिरकार इस वक्त का वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है। पहली बात ये है कि जब से विवेक डी सेना जो है नॉमिनेट हुए हैं, उन्होंने जो है एक नंबर ही पकड़ के रखा हुआ है, फर्स्ट नंबर ही पकड़ के रखा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो लोग कर रहे हैं विवेक डी सेना को। हो सकता है कि आप लोग जो है ऐसे भी वोटिंग ट्रेंड कहीं और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो जहाँ पर करणवीर जो है पहले नंबर पे हो, पर भाई वोटिंग ट्रेंड जो मैं बताती हूँ आज तक उसी वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से एलिमिनेशन भी हुई है, उसी वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से जो है सब चीज़ें चलती भी हैं। और वही चीज़ें जो है कभी कभार अगर बिग बॉस बोलना चाहें तो वो बोलते भी हैं कि भाई इस वक्त का वोटिंग ट्रेंड ये है। हालांकि ये जब से हम वोटिंग ट्रेंड वीडियोज़ बनाने लग गए हैं तब से बिग बॉस ने भी कभी कभार वोटिंग ट्रेंड के बारे में जो है बोलना शुरू कर दिया है। पहले नंबर पे है विवेक डी सेना, दूसरे नंबर पे हैं करणवीर मेहरा, तीसरे नंबर पे हैं दिग्विजय, चौथे नंबर पे हैं अविनाश, पांचवें नंबर पे हैं चाहत पांडे, छठवें नंबर पे आ चुकी है एलिस, और कशिश हो चुकी हैं सातवें नंबर पे। अब जो है कवर ने भी एलिस कौशिक के लिए वोटिंग अपील की और वीडियो बना के और बोला कि वो शाइन करना डिजर्व करती है, घर के अंदर रहना डिजर्व करती है। तो मे बी शायद उसके भी कारण जो है, उस वीडियो के कारण जो है, कहीं ना कहीं लोग कवर के भी एक्टिव हुए और उन्होंने जो है एलिस कौशिक को वोट करना सही समझा और उन्होंने कवर की बात को समझा। और अब जो है जिस तरीके से जो है एलिस को देखा भी गया, टास्क के दौरान भी देखा गया, देखिए ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एलिस की नहीं है देखा जाए कशिश के कंपैरिजन में। अगर टास्क की बात करें तो एलिस ने इतना ज़्यादा नहीं किया है, पर हाँ उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, इन चारों की दोस्ती बहुत अच्छी है, और यही एक प्योर रिश्ता है जो कि इस घर में दिखाई दे रहा है। नहीं तो बाकी के जो लोग हैं वो रिश्ते बना ही नहीं पाए हैं क्योंकि उनके अंदर जो है कोई सच्चाई नहीं है। पर हाँ अगर एलिस भी जाती है तब दुख जो है पूरे घर को तो होगा ही, पर सबसे ज़्यादा दुख जो है अविनाश और ईशा को होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है भाई। तो अब देखेंगे कि क्या होता है, वीकेंड के वार पे सब चीज़ें पता चल ही जाएगी, और वीकेंड का वार जो है फ्राइडे सुबह 10 बजे शूट सुबह सुबह शूट होने वाला है, और फ्राइडे सुबह 10 बजे तक ही वोटिंग लाइन ओपन है, और एक ही दिन शूट होता है, सलमान खान करते हैं, पर सैटरडे और संडे जब आप वीकेंड का वार देखेंगे, संडे आपकी एलिमिनेशन से पहले ही जो है मैं आप तक खबर पहुंचा दूंगी कि भाई कोई एलिमिनेट हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कौन हुआ है एलिमिनेट, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। पर अभी जो है इवन फ्राइडे वोटिंग लाइन ऑफ होनी है, बंद होनी है, रिजल्ट्स जो है जाने हैं, फिर इनको डिसीजन लेने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी फ्यूचर की बात है, उसके बारे में तो भाई मैं बता ही नहीं सकती हूं कि क्योंकि आई एम नॉट अ गॉड। पर बिग बॉस ने जो है गॉड तो बना ही दिया घर में, तो वो गॉड कौन बना है आने वाली वीडियो में बताती हूं। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।